हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सबा स्पेशल। आपको मेरा टाइटल देख के पता चला होगा कि खोबर के कॉर्निश में यहाँ पे एंटरटेनमेंट शोज़ हो रहे हैं। हम यहाँ पे पीछे थोड़ा पार्क करके आए क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का प्रॉब्लम होगा बोल के। हमें पता नहीं था कि इतना लंबा चलना पड़ेगा। अगर आपको कोई किसी को जाना है तो मैं पहले ही बता देती हूँ स्टार्टिंग में कि आप यहाँ के कॉर्निश के सीधा ऑपोजिट मैक्स है, वहाँ पे आप गाड़ी पार्क करके रोड क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ हैं वो आराम से आपको क्रॉस करा देंगे और आपको इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि घूमने को बहुत है और अब रिटर्न जाने में बहुत थक जाएंगे। अगर छोटे बच्चे हैं तो और ज़्यादा थक जाते हैं क्योंकि घूम घूम के वो फिर रिटर्न चलने को रेडी नहीं होते। वेबसाइट में है कि 30 तक शोज़ है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको किसी को जाना है तो पहले उसमें जाके आप ऑनलाइन बुक कर लीजिएगा क्योंकि बुकिंग करना पड़ता है बोलते हैं। अगर आपको जाना है तो किस शो के पेमेंट है, किसी को फ्री है, सिर्फ आपको बुकिंग करना पड़ता है, ऐसा है। और 3D शोज़ है डायनासोर के वहाँ पे, और आपको लंदन बस है यहाँ पे ऐसे ही, उसको ना आपको लाइन रुक कर वहीं पे पैसे दे के जाना पड़ेगा, ऐसा है वो। और बहुत सारे ऐसे एंटरटेनमेंट शोज़ हैं, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि अभी बच्चों को छुट्टी चल रहा है तो एक बार विज़िट करके ज़रूर आइएगा। बच्चों को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे जहाँ हम एंटर हो रहे हैं वहाँ पे एंट्रेंस में पूछते हैं कि क्या बैचलर्स हैं या फैमिली के साथ हैं, क्योंकि फैमिलीज़ को अलग से भेजते हैं और बैचलर्स को एक साइड से भेजते हैं, ऐसा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैचलर्स भी जा सकते हैं। जैसे वो ऐसे ही पूछते हैं कि बैचलर्स हो या फैमिली के साथ हो। यहाँ पे जो आपको वाइट वाइट कलर के दिख रहे हैं ये शॉप्स हैं। यहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़ की चीज़ रखे हैं, जैसे बुरका हो, परफ्यूम हो, ऊद हो, ऐसा रखा है इन्होंने। और बच्चों को खेलने के लिए छोटे छोटे यहाँ पे गेम्स रखे हैं, बस ऐसे सिंपली बच्चों को खेलने के लिए। ऐसे उसका कुछ पेमेंट नहीं है, ऐसे बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए रखा है। स्टार्टिंग में है जहाँ पे हम गाड़ी पार्क करके आए हैं, उसके बाद में ही है। अभी मेरे बच्चे जाके राइड गाड़ी में बैठे हैं, वो चालू नहीं था, ऐसे रखा था उन्होंने। ये तो उतरने के लिए रेडी ही नहीं थे, कह रहे थे कि ये चालू होगा हम जाएंगे इसी में घूम के आएंगे सारा। कुछ पेंटर्स यहाँ पे बैठ के पेंटिंग कर रहे हैं, अलग अलग डिजाइन्स की पेंटिंग कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पे जो रेड वाला है वो लंदन बस है, हमें इसमें जाना था। बच्चे भी बोल रहे थे कि इसमें जाना है बोल के। मैं लाइन पे जाके रुकी तो इतना लंबा लाइन था, तो
फिर पैर दर्द होने लगे, फिर सोचा कि यहाँ पे रुकने से अच्छा है हम ऐसे ही घूम के आएं। यहाँ पे जो म्यूजिक बैंड जा रहा है उसके पीछे ही लोग जा रहे थे चलते हुए, पता नहीं वीडियो निकाल रहे होंगे, उसके पीछे पीछे ही जाके एक राउंड करके आ रहे थे।
पे फायर क्रैक स्टार्ट होता है, एग्जैक्ट 9 o'clock को स्टार्ट होता है और सिर्फ 5 मिनट्स रहता है। 5 मिनट्स तक वो फायर क्रैकर चलाते हैं, फिर नहीं रहता है, सिर्फ 5 मिनट्स का है वो। मैं सब पहले ही बता रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो तो एंडिंग तक नहीं बात करूँगी, इसलिए मैंने पहले ही बताया है क्योंकि आप आराम से वीडियो देखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके लिए मैं ऐसे नए नए वीडियो लाती रहूँगी।